हेलो बच्चों, आज हम लोग इटेरी ऑफ ड्रूप्स पढ़ेंगे और देखेंगे इसका एग्जाम्पल कैसे क्या क्या होते हैं। और ये आइए देखते हैं इटेरी ऑफ ड्रूप्स। फ्रूट्स में आता है और ये भी एग्रीगेट फ्रूट का ही एक प्रकार है। यानी इसका पहला पॉइंट आप दे सकते हैं, ये एक एग्रीगेट फ्रूट्स होता है। और इसमें थोड़ा फिगर बनाते हैं और देखते हैं होता क्या है, ये कैसे कैसे होते हैं। फिगर बना लेंगे, थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसमें आप थैलमस बनाते हैं, फिर ये बना लेते हैं, फिर आप बीच में थैलमस हो गया, उसके बाद ड्रुपलेट्स बनाते हैं। बनाते चले सब लोग, ये आपका थैलमस हो गया। ये सीड हो जाएगा, ये आपका परसिस्टेंट कैलिक्स हो गया, दिख रहा होगा। हाँ, सुंदर सा बना लेंगे। और ये आपके अलग अलग ड्रुपलेट्स हो गए, ये सारे ड्रुपलेट्स हैं। ड्रुपलेट्स, ड्रुपलेट्स का मतलब क्या हो जाता है, स्मॉल ड्रुप, उसी को हम ड्रुपलेट्स बोल देते हैं, स्मॉल ड्रुप। ठीक है बच्चों, ये आपका रस्प बेरी, ये है उसी का एग्जाम्पल है। अब साफ समझ में आ रहा होगा। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फिगर बना लीजिए, उसी से वापिस समझ में आ जाता है कि ये ड्रुपलेट्स और स्मॉल ड्रुप, ड्रुपलेट्स इज आल्सो नोन एज स्मॉल ड्रुप, उसको स्मॉल ड्रुप भी कहते हैं। एग्रीगेटेड टुगेदर जैसे एग्रीगेट हो रहा है साथ साथ में, एग्रीगेटेड टुगेदर ऑन ए फ्लेसी थैलमस, ऑन ए फ्लेसी, ये फ्लेसी थैलमस है। यानी ये छोटे छोटे ड्रुप्स जो हैं, यानी ड्रुपलेट्स जो हैं, वो इसके ऊपर एग्रीगेट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं थैलमस के ऊपर, उसी को क्या बोल देते हैं, इटेरियो ऑफ ड्रुप्स। अब इटेरियो का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ फ्रूट, क्लस्टर ऑफ फ्रूट इटेरियो का मतलब हो जाता है। अब एग्जाम्पल में थोड़ा देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे रूबूस आइडियस, रस्पबेरी का है, रूबूस जीनस है, स्पीसीज है, इसी को हम रस्पबेरी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। तो ये आप
देखेंगे कि इटेरी ऑफ जो ड्रूप्स हैं उसमें रस्पबेरी और ब्लैकबेरी दो एग्जाम्पल आते हैं, और इसमें आप देखेंगे जो थैलमस है फ्लेसी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ड्रूप यानी ड्रूपलेट्स लगे होते हैं, और उन ड्रूप्स स्मॉल ड्रूप के अंदर ये सीड होते हैं, बीज होता है, और ये जो बेस पे लगा रहता है वो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, और ये इसका एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी और रसबेरी। ये एग्रीगेट फ्रूट के का टाइप है, उसके अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चे, इसको नोट कर लेंगे।